हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एनजी स्पोर्ट्स ऑफिशियल चैनल। ये वीडियो लाने का मेन मोटिव ये है कि आपको पता होगा पिछले कुछ दिनों से एनजी स्पोर्ट और नॉन स्टॉप गेमिंग के नाम पे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है और बहुत सारे एलिगेशन भी लगाए जा रहे हैं गिल्ड के ऊपर, नॉन स्टॉप गेमिंग के ऊपर। तो आज हम लोग सब कुछ क्लियर करने वाले हैं, वो भी प्रूफ के साथ। प्रूफ के बिना हम लोग कोई बात नहीं करने वाले, सबके स्क्रीनशॉट हम लोग दिखाएंगे। इंडिया बहुत ही कम चैनल है जो गेम प्ले और स्किल्स को सपोर्ट करते हैं, बाकी जो 5 मिलियन 10 मिलियन वाले चैनल है वो तो डीजे आलो गिवे या फिर प्रैंक वीडियो पे ही चलते हैं। और जो गेम प्ले को सपोर्ट करते हैं उसमें से एक चैनल है नॉन स्टॉप गेमिंग, और उसमें बहुत सारे बंदों को यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, वो पता नहीं क्यों, और वो बोल रहे हैं कि मोबाइल प्लेयर को सपोर्ट नहीं करते एनजी स्पोर्ट्स। तो मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ हमने कितने मोबाइल प्लेयर्स को सपोर्ट किया और उनके चैनल को कितना ग्रो करवाया है। फॉर एग्जाम्पल एमबोट FF, यहाँ पे इसका चैनल आप लोग देख सकते हो। नॉन स्टॉप गेमिंग ने इसके ऊपर रिएक्शन दिया, उसके पहले के व्यूज और बाद के व्यूज आप लोग देख सकते हो। आप तो समझदार हो, आपको पता चल जाएगा कितना ग्रो किया है चैनल ने। ऑलमोस्ट 34,000 सब्सक्राइबर्स यहाँ पे हो गए उसके। और भी काफी ज्यादा मोबाइल प्लेयर्स है जिसको तगड़ा सपोर्ट मिला है रिएक्शन के बाद, जैसे कि एक्सगोड हो गया, वार्डन YT हो गया, एलिवेटर FF हो गया। ये सारे बंदे मोबाइल प्लेयर्स है जिनका रिएक्शन के बाद चैनल एकदम से ग्रो हो गया है और उसके बाद बहुत अच्छे से चल रहा है। तो अब मुझे पता नहीं आप लोग क्यों बोल रहे हो मोबाइल प्लेयर को सपोर्ट नहीं करते। हम लोग इक्वली दोनों को सपोर्ट करते, जितना PC को करते उतना ही मोबाइल को सपोर्ट करते हैं यहाँ पर। तो अब हम लोग बात करते हैं कॉन्ट्रोवर्सी की, जो कि पागल M10 से रिलेटेड है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पागल M10 को एनजी स्पोर्ट से किक क्यों किया। तो अगर हम पागल M10 की मुंह से सुने तो वो कुछ ये बता रहा है कि एक टाइम पे एनजी का फ्रेंडली कस्टम हुआ था, उसमें पागल M10 पे एक रैंडम प्लेयर था जिसने यहाँ पे इमोट दिखा दिया एनजी अभिषेक, और एनजी अभिषेक है नॉन स्टॉप का भाई। तो अकॉर्डिंग टू पागल M10 उसने नॉन स्टॉप गेमिंग के भाई को इमोट दिखाया, उसलिए उसको किक कर दिया गिल्ड से। Man literally has a cannon for a leg. Yes, he does. Here he goes, winding up for the shot and तो ऐसा कुछ सीन हुआ था पागल M10 के अकॉर्डिंग। लेकिन भाई आधी स्टोरी क्यों बताई, इंटरवल के बाद की स्टोरी कौन बताएगा? इंटरवल के बाद ही तो क्लाइमेक्स आता है। तो चलो कोई बात नहीं, हम लोग स्टोरी पूरी करके क्लाइमेक्स दिखा देते। अभी मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने वाला हूं जिसको देख के आप लोग शॉक हो जाओगे। तो पागल M10 ने ये बोला कि मुझे गिल्ड से निकाल दिया, बट उसने ये नहीं बताया कि मुझे सेकंड गिल्ड में इनवाइट आया था और वहां पे उसने एक्सेप्ट भी किया और बहुत महीनों तक वहां पे वो सेकंड गिल्ड में रहा था। और उसका प्रूफ मैं आपको दिखाने वाला हूं, बहुत सारे प्रूफ मेरे पास, एक से एक बढ़ के प्रूफ मैं आपको दिखाने वाला हूं अभी। तो ये है वो मैच का वीडियो जिसके तुरंत बाद पागल M10 को किक कर दिया था गिल्ड से, और उसकी अपलोड डेट भी देख सकते हो 17 मई 2021। अभी मैं आपको एक बहुत मस्त चीज दिखाता हूँ, उसके चैनल से उसके खिलाफ ही प्रूफ निकालेंगे, ठीक है? ये डेट अच्छे से देख लो, 17 में। इसके 2 महीने बाद पागल M10 ने कलेक्शन वीडियो डाला है अपने खुद के चैनल पे, उस वीडियो का हम अच्छे से एग्जामिन करते हैं, ठीक है? तो यही है वीडियो collection.pagalm10 3 months ago, उसकी डेट भी हम लोग चेक करते हैं कौन सी डेट पे अपलोड किया ये। तो ये अपलोड हुआ है 30 जून को, मतलब ऑलमोस्ट 2 महीने बाद। तो चलो ये देखते हैं वीडियो के अंदर ऐसा क्या खास है। तो ये है वो कलेक्शन वीडियो, और आप अगर टॉप लेफ्ट पे नजर डालोगे तो वहां पे आपको गिल्ड में दिखेगा एनजी स्पोर्ट्स, और ये जो 77 लेवल वाली आईडी है वो ओरिजिनल एनजी स्पोर्ट की सेकंड गिल्ड है, उसमें थी वो। मैं आपको मैं प्रूफ दिखाने वाला हूँ, वो भी वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ। तो चलो वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो ये है एनजी स्पोर्ट की सेकंड गिल्ड, और यहाँ पे आपको वही पागल M10 की लेवल 77 वाली आईडी दिखेगी, गौर से देखना, ठीक है? तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, पागल M10 लेवल 77 आईडी एनजी स्पोर्ट्स। जब पागल M10 को फर्स्ट गिल्ड से किक किया था उसके तुरंत बाद सेकंड गिल्ड पे इनवाइट भेजा था, और पागल M10 ने एक्सेप्ट भी कर लिया था, और बहुत टाइम तक वो रहा था, 2 महीने तक एटलीस्ट वो रहा था इस गिल्ड में। तो अभी हम बात करते हैं पागल M10 के लॉयर की, मतलब शिवा भाई। और जो कंट्रोवर्सी वाली जो इमोट मैच है उसमें शिवा भाई के अगेंस्ट ही मैच हुई है, उसके स्क्वाड के अगेंस्ट मैच हुई है। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये पागल M10 खुद बोल रहा है, उसकी चैट में अभी बताता हूँ। तो यहाँ पे पागल M10 ने खुद लिखा है कि मेरे में एक रैंडम प्लेयर था जिसने शिवा के स्क्वाड को इमोट मार दिया। तो यहाँ पे ये दो सेंटेंस है, दो चीज साबित होती है कि पहली वो शिवा की स्क्वाड थी, और पागल M10 ने उसके वीडियो बताया था कि उन्होंने सामने से पहले इमोट दिखाया था, बट ये गलत, इसने खुद यहाँ पे कबूल किया है कि मेरे रैंडम प्लेयर ने पहले इमोट दिखाया था। और इमोट किसको दिखाया था पता है, एनजी अभिषेक को नहीं, एनजी शिवा भाई को दिखाया था। और इसी बात पे शिवा भाई को आ गया गुस्सा, पर उसके पास कोई पावर नहीं था किक करने के लिए, तो उसने क्या किया, अभिषेक को उल्टा भड़काया पागल M10 के खिलाफ, और उसने बोला कि तुम एक्टिंग गिल्ड लीडर हो, तुम नॉन स्टॉप के भाई हो, तुमको इमोट कैसे दिखा दिया, इसको किक करते ये वो, और लास्ट में उसको किक कर दिया, ठीक है? तो यहाँ पे स्क्वाड किसकी थी, शिवा भाई की। यहाँ पे इमोट किसको दिखा, शिवा भाई को। एनजी अभिषेक को किक करने को किसने बोला, शिवा भाई ने। और लास्ट में बिल किस पे फटा, एनजी अभिषेक पे, क्योंकि उस बंदे ने किक किया। और भयंकर आयरनी तो अभी है क्योंकि वही बंदा आज पागल M10 का लॉयर है और उसको डिफेंड कर रहा है। और उस चीज का ही प्रूफ ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, उसको पूछा गया कि किसने किक किया, तो उसने बोला अभिषेक, और उसके बाद बोला अभिषेक और शिवा भाई दोनों थे, मतलब स्क्वाड शिवा की थी, अभिषेक उसमें सिर्फ खेल रहा था।
और ऐसी बात नहीं है कि फर्स्ट गेम में किक करने के बाद उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिला, उसको बिल्कुल खिलाया नहीं गया, उसके बाद भी उसको मल्टीपल टाइम्स लाइव में खिलाया गया है, उसका भी मैं आपको स्क्रीनशॉट और वॉइस रिकॉर्डिंग बताता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पागल एम्प्टन को सामने से पूछ रहे हैं कि 1v1 खेलना है स्ट्रीम पे, उसने बोला किसके साथ, ये वो, ठीक है। उसके बाद उसने एग्री किया और उसने खेला भी उसके बाद, और उसके बाद की चैट भी आपको दिखाता हूँ। और ये इसकी बात की चैट है, शायद वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया तो बोला, नर्वस था, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि मैं डेली खेलूंगा। अभी पागल एम्प्टन या फिर उसका लॉयर ये ना बोले ये फेक स्क्रीनशॉट है, उसके लिए मैं आपको उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। शिवम भाई, रात के लाइव पे अगर स्पेस होगा तो मेरे को एक बार मैसेज डाल सकते हो क्या? एक बार मैसेज डाल देना, मैं आ जाऊंगा अगर जगह होगी तो। यहाँ पे तो एकदम क्लियर हो गया कि अभी तो कोई एडिट नहीं है, ना कोई फेक स्क्रीनशॉट है, उसकी आवाज में ही बोल रहा है। और यहाँ पे देखो कितना यहाँ पे बोल रहा है कि मेरे को खिला दो, बंदा रो रहा है। ये सब हमको दिखाने का बिल्कुल मन नहीं था, बट भाई उसने मजबूर कर दिया, इसलिए हमारे पास तो ये प्रूफ कब से है, बट हमने ये सब पहले नहीं दिखाया क्योंकि हम लोग चाहते तो उसी दिन दिखा सकते, नेक्स्ट डे वीडियो बना के दिखा सकते थे, बट हमने बोला लेट गो किया कि भाई जाने दो, इमेज खराब होगी, भाई ऐसे कोई बोल रहा है और उसको दिखा दे तो अच्छा नहीं लगेगा। बट जब फेक एलिगेशन लगने लगे और हमको हेट मिलने लगी, वो भी कोई बिना वजह, ठीक है, तो हमको बोला कि अभी तो हमको सच्चाई दिखानी पड़ेगी, ऑडियंस को जानना जरूरी कि कौन सी सच्चाई है कौन सी नहीं है। और एक दूसरा स्क्रीनशॉट है, ये भी लाइव का, ये लाइव के पहले का है जब वो खेलने आ रहा था, तो बहुत बार लाइव में खिला, ये सब हमने प्रूफ दिखा दिया कि हमने उसको बहुत बार चांस दिए, भले उसने अंडर परफॉर्म किया फिर भी चांस दिया है, ऐसा नहीं है कि उसने एक बार किल नहीं किया तो दूसरी बार चांस नहीं मिला, उसके बावजूद भी चांस दिया है, सेकेंड गेम में था फिर भी चांस दिया है। इससे ज़्यादा सपोर्ट कैसे कर सकते किसी बंदे को मुझे नहीं पता है। और फिर वो बोलते हैं कि मोबाइल प्लेयर को सपोर्ट नहीं दे करते हम लोग, मोबाइल प्लेयर को सपोर्ट नहीं करते तो ये एक बार अगर किल नहीं करता तो हम दूसरी बार बुलाते ही नहीं, ठीक है, ऐसा होता तो हम बुलाते ही नहीं, दूसरी बार इन्वाइट क्यों करते, वो भी सामने से। तो आज हमने आपको इंटरवल के बाद की मूवी दिखा दी जो पागल एम्प्टन ने अधूरी छोड़ी थी। पागल एम्प्टन ने सिर्फ यही बोला था कि मेरे को किक कर दिया, बट किक करने के बाद भी कितनी सारी चीज़ें हुई, यहाँ पे लाइव पे खेलने का मौका मिला इतनी बार, सेकंड गिल्ड में इनवाइट किया, उसमें 2 महीने तक रहा है, उसके बाद जब गिल्ड डिसबैन हुई तब वो बंदा चला गया क्योंकि डिसबैन पे अब हम लोग किक नहीं कर सकते, आपको पता है, मतलब वो किक कभी नहीं हुआ है सेकंड गिल्ड से, फर्स्ट गिल्ड से एक बार किक हुआ था, उसके बाद वो कभी किक नहीं हुआ है। और शिया भाई को गिल्ड से क्यों किक किया उसका भी रीजन मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो शिया भाई असल में है दो बंदे, एक है जो हमारे गिल्ड में था और एक दूसरा बंदा है जिसकी खुद की गिल्ड है, ठीक है। तो जो बंदा हमारे गिल्ड में था वो उसके पास ना चैनल का कोई एक्सेस है, ना कोई वीडियो रखता है, ना कुछ करता है, सब कुछ जो करता है वो दूसरा बंदा करता है जिसकी खुद की गिल्ड है। और जो दूसरा बंदा था वो ऐसे काम करता था कि उसको कोई लेना देना है ही नहीं एनजी स्पोर्ट्स से, खुद का ही सेल्फ प्रमोशन करते रहता था। तो इसी वजह से हमने जो हमारे गिल्ड में शिवा भाई वाला बंदा था उसको भी किक कर दिया। तो आई होप आपको सारी सिचुएशन समझ में आ गई होगी और आपको पूरी स्टोरी भी आज जानने को मिल गई। हमने आपको सब चीज़ों के स्क्रीनशॉट, ऑडियो रिकॉर्डिंग सब कुछ दिखाया था, कोई बोल नहीं सकता फेक है ये। इसके बाद भी पॉसिबिलिटी है कि वापस से वहाँ से रिप्लाई आने वाला है, बट हम लोग रिप्लाई नहीं करने वाले क्योंकि हम लोग का ये कंटेंट है ही नहीं, हम लोग का कंटेंट उनसे एकदम डिफरेंट है, उनसे एकदम ऑपोजिट है। उनका कंटेंट है हेट करना एक दूसरे को और हमारा कंटेंट है एक दूसरे को सपोर्ट करना। हेट और कंट्रोवर्सी कंटेंट क्रिएटर्स तो बहुत है हमारे कम्युनिटी में, बट सपोर्ट करने वाले कंटेंट क्रिएटर्स बहुत ही कम है और हमको वही चाहिए क्योंकि हेट वाले तो बहुत सारे मिल जाएंगे। तो हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस। खत्म।